কেউ এসেছিলেন দিল্লি থেকে, কেউ বা আবার উত্তরপ্রদেশ, কারোর ঠিকানা মধ্যপ্রদেশ, তো কারোর আবার সুদূর পশ্চিমী রাজ্য রাজস্থান। কিন্তু সমস্ত মানুষের গন্তব্য ছিল একটাই, দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাট। কিন্তু লকডাউনের জোটে প্রত্যেকেই আটকে গেলেন হাওড়ায়। 40-এর বেশি এরকমই মানুষের বর্তমান ঠিকানা, তাই এখন গঙ্গা পাড়ের নাগা বাবা আশ্রম। দুবেলা খাওয়ার থেকে মাথা গোঁজার ঠাঁই সবটাই আশ্রম কমিটির তত্ত্বাবধানে মিলল, বাড়ি ফেরার পথের সন্ধান মেলেনি। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তাই রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হলো অনলাইনে। কিন্তু অনুমতি তাই যে শেষ কথা নয় এই মানুষগুলোর কাছে। দীর্ঘদিন ধরে ঘর ছাড়া থাকার কারণে যতটুকু নিঃসম্বল তারা নিয়ে বেরিয়েছেন, তা প্রায় এখন তলানিতে। নিজেদের পয়সায় গাড়ি ভাড়া করার মতো সামর্থ্য আজ তাদের নেই, তাই প্রশাসনের কাছে তারা আবেদন করতে চান যাতে তাদের বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করে, সেই ব্যবস্থা রাজ্যে এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হোক। কিন্তু আদৌ প্রশাসনের সেই সহযোগিতা মিলবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তায় আছেন তারা। হাওড়া থেকে অর্প সিংয়ের রিপোর্ট, ক্রাইম ব্রাঞ্চ। আমাদের ভারতের মেয়ে নাম আপনি, এবার দাঁড়াবেন, আমি দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, দোকানটা খোলা নেই, দোকান থাকতে গেলে পুড়িয়ে এনে দিতাম। दर्शन करने आए थे माता के, काली घाटी के। तो उसके बाद लॉक लग गया, थाने गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कर रहा है वो? कह रहे हैं कि अभी कोई सुनवाई नहीं होगी, 15 तारीख को आना। 15 तारीख को गए तो कहते हैं 30 तारीख को आना। 30 तारीख को कहते हैं कि जाओ यहाँ से, लॉक लग गया। वो हाई कोर्ट में गए थे, कोर्ट में कहते हैं कि डीएम के पास जाइए। डीएम कहते हैं कि थाने जाइए। ऐसा करते करते वो काफ़ी दिन हो गया, सुनाई नहीं हो रही है। लेकिन ममता जी, केजरीवाल और मोदी जी गाड़ी भेज रहे हैं, तो कि ममता जी गाड़ी को वापस क्यों कर रही हैं? अगर इनों के पास बच्चे होते तो इनको दुख होता, इनके पास बच्चे तो है नहीं है, दुख किस चीज़ का होगा? हमारे पास तो बच्चे हैं ना, हमें तो दुख होगा ना। हमारे पास बच्ची है, हमारी जवान बच्ची है, जवान बेटा है हमारा, पता नहीं कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते, खा रहे हैं या नहीं खा रहे। तो हम यहाँ पर हैं, वो वहाँ रोते हैं, हम यहाँ रोते हैं, क्यों, क्या हो गया? ममता जी के पास बच्चे नहीं है, किस चीज़ की ममता देवी है, किस चीज़ की? जब उनको अपने परिवार की टेंशन नहीं, उनको परिवार का ही दुख नहीं हो रहा, तो पब्लिक का ही दुख नहीं हो रहा, तो हमारा दुख उन्हें क्या होगा? बच्चे नहीं है ना, बच्चे बच्चे होते हैं, उनको दुख जब होता। हम घर जाना चाहते हैं, हम घर जाना चाहते हैं। हम 7 लोग हैं। बाबा सुन रहा है, आपका नाम बताइए। मधु, मधु देवी, मधु देवी। कहाँ का रहने वाले हैं? दिल्ली का।